पराली जलने के साथ ही दीपावली पर हुई आतिशबाजी का असर आसमान में साफ तौर पर दिखने को मिल रहा है। प्रदूषण का स्तर बढ़ जाने से सबसे ज्यादा परेशानी दमा व श्वास के मरीजों को उठानी पड़ रही है। साथ ही आंखों और नाक में जलन की शिकायत भी सामने आ रही है। तेज हवा और बरसात होने से प्रदूषण का स्तर कम हो सकता है, लेकिन अभी तक बरसात होने की कोई भी संभावना नहीं दिख रही है। करनाल जिले में पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए कृषि विभाग काम कर रहा है। बावजूद इसके किसान जागरूकता के अभाव में अभी भी पराली जला रहा है। हालांकि पिछले साल की तुलना पराली जलाने के मामलों में कमी दर्ज की गई है। इसके साथ दीपावली में हुई आतिशबाजी से निकाली जहरीली गैसें भी पर्यावरण में घूम रही हैं। पटाखों से सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के साथ अधजले कार्बन के कण निकले या फिजा में घुलने से लोगों को परेशानी हुई है। सर, मैं अम्बाला से आया हूँ और पूरे हाईवे पे ये धुंध है, क्या है ये नहीं पता लग रहा। मतलब एक आंखों में बहुत ज्यादा जलन है इससे, मतलब बहुत परेशानी हो रही है, कठिनाई हो रही है। वहाँ से यहाँ तक आने में मेरे को बहुत परेशानी हुई है, आंखों में बहुत ज़्यादा जलन दर्द है और बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। तो ये कुछ नहीं कह सकते जी, मेरे को तो ऐसा लग रहा है ये लोग जो पराली जलाते हैं ना खेतों में, उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। क्योंकि और तो कोई अभी ऐसा, इतनी ठंड नहीं आए कि उसके कारण या कोई और ऐसा, तो ये पराली के कारण ही मेरे को लग रहा है कि जो सब है तो सब उसी के कारण है। तो सरकार को ध्यान देना चाहिए क्योंकि बहुत परेशानी हो रही है, कुछ भी हो सकता है, रास्ते में एक्सीडेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मेरा नाम सुरेंद्र है।